मुसलमान गलत नहीं किया, मुसलमान आज तक गलत नहीं किया, ये गलतियां कराते आए, उनको बदनाम किया गया, सरकार के सामने कमजोर करा दिए कि भाई चार लीडर और चार उलेमा। अरे भाई अपने फालस्तीन के लिए दुआ के लिए चार आदमी नहीं जमा, तुम जम रहे कहां है? चीफ मिनिस्टर के घर पे जाते और हाईकमान के ऑफिस में जाते दिल्ली में और कहां है? तो 4% अपने आप आता, कौंसिल अपना आप आता, हिजाब सुप्रीम कोर्ट के आगे जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कई मसले कई चीजें हमारे लिए हमारे फेवर में जैसा ये लोगों को हासिल हो रहा है ऐसा हासिल होता है। असलम कहां है 500 आदमी की जमात, कहां है 5 लाख आदमी की जमात, क्यों बताया, क्यों किया, क्यों ये लीडर लोग ये जोड़ा नहीं? इतने बड़े तमाम चीजों में, हिजाब में, अब गाय में, रिजर्वेशन में, बच्चों माँ बेटियों के सर पे जब पल्लू निकाला गया, खींच के निकाला गया, तब कहां जमे थे जितना हिजाब, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्राइम करके जो किया जा रहा है देश के तमाम चैनलों में, देश के सामने करके खड़के मर्द बन के कर रहा है, तब क्या चुड़ी पहन के बैठा है क्या मुसलमान कर्नाटक में? सर नगरपेट के इलाके में एक हिंदू मुस्लिम का लड़ाई देखने को मिली, उस पर आपकी क्या राय है? मुकेश के नाम का जो लड़का है, अभी नया एक महीने में ऐसे वो अपना मोबाइल की तिजारत किए, उनके वाले उनके फादर बोले, उनके बाप बोले कि भाई ये जो एक महीने के अंदर कई लोग आके उनके पास मामूल पूछे, वो मामूल जो पूछे उनका एफआईआर में नाम है, इसमें दो मुस्लिम से दो हिंदू से, ऐसा वो ये एक फ्रेंड सर्कल जो भी है, ये लोग ग्रुप जो लेते हैं एक्सटोर्शन करते हैं हिंदू में हो अपना मुसलमान में रहो, ये जो तमाम चीज जो कर रहे हैं वो तो हर जगह है, मुसलमान से हिंदू सीखता है, हिंदू से मुसलमान सीखता है, तमाम चीजों में उनके बाप का स्टेटमेंट है ये किया करके, इसमें क्रिमिनलिटी क्या हुई वो देखना, तेजस्वी सूर्य क्रिमिनलिटी किया, अरे पीसी मोहन इन्वॉल्व हुए उसमें, इतना बड़ा मसला क्या हुआ था, जो इतना बड़ा जो क्रिमिनलिटी इतने हद तक बनाई इन्हों कि भाई देश के पूरे कर्नाटक के लोगों को लाके ये प्रोवोक करे, मुसलमानों के ऊपर प्रोवोक करे, ऐसे नहीं ना। अभी मुसलमान में दो आदमी एफआईआर में है, तो एक हिंदू एक मुसलमान, एक हिंदू एक मुसलमान ऐसा है, तो एक महीने से चलता आ रहा है, तो उससे पहले भी जो है कंप्लेन देना चाहिए था, इमीडिएट तुरंत लोगों को अरेस्ट करवाना था, 30 दिन से भी नहीं करे। मेरे लड़के का वो मुकेश का फादर बोले है, वो एरिया का एमएलए बोले है, तमाम बोले है कि भाई ये तमाम चीज दोनों में हुआ है, तो इतना बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी है, तेजस्वी किया है, ये एक अच्छा सा एमपी है, एमपी पीसी मोहन किया है, एक बड़ा सा एमपी है, तो इसको बताए, इसको गलत इस्तेमाल किए, इसको इतना बड़ा देशद्रोह किए इन दोनों, कि भाई मुसलमान को एक अच्छा बड़ा तैयार की भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताए, क्योंकि जब बच्चों के औरत के सर पे हिजाब निकाला, बच्चों सर नंगा किया, और बच्चे जो पढ़ते हैं एग्जाम लिख रहे हैं वहां पे 4% का रिजर्वेशन बीजेपी वाला अब खींचा, और काउंसिलर के नाम से शर्त डाल के बोला कि भाई ये नहीं करेगा, ये तमाम जितने चीज आए, एक भी मुसलमान अपना घर और अपनी चीज अपनी दौलत छोड़ के हटा नहीं, उसमें चाहे कौन भी हो जाए, तेजस्वी सूर्य मर्द है, अभी शादी भी नहीं है उसको, पीसी मोहन बुड्ढा है और फिर भी मर्द है, बताना चाह रहे क्या? कहां है 500 आदमी की जमात, कहां है 5 लाख आदमी की जमात, क्यों बताया, क्यों किया, क्यों ये लीडर लोग ये जोड़ा नहीं? इतने बड़े तमाम चीजों में, हिजाब में, अब गाय में, रिजर्वेशन में, बच्चों माँ बेटियों के सर पे जो पल्लू निकाला गया, खींच के निकाला गया, तब कहां जमे थे जितना हिजाब, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्राइम करके जो किया जा रहा है देश के तमाम चैनलों में, देश के सामने करके खड़के मर्द बन के कर रहा है, तब क्या चुड़ी पहन के बैठा है क्या मुसलमान कर्नाटक में? पहना है, किसको पहनाया है, कहां रहता है, दिल्ली में घूमता है, दरगाहों में रहता है, हाईकमान में रहता है मुसलमान, और क्या रूहानी जलसे चलाते हैं, और अपनी अब ये तमाम चीज को एक हदीस की रोशनी में 40 टुकड़े करते हैं मुसलमान, तो ये लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं करता है? ये किया है गलत है,
जो मुकेश के घर वालों के पिता बताए कि भी मेरे बच्चे के ऊपर 30 दिन से हो रहा है, अजा है, अजान के एहतराम करना चाहिए, उसका अलग तरीका था। और ये लोग खुद करना है, ये जरूरी नहीं कि भाई वो चला दे, हनुमान चलसा जब चला दे, नहीं है। अजा हो तो उसका एहतराम करना है, हर हिसाब से करना है, क्योंकि अपने पड़ोस में है, उधर बैठते हैं तो करना है, नहीं करा इधर आके अपना हनुमान चलसा चलाए अपना सूर्य, तो क्या मुसलमान क्या करते हैं, कौन सी चोर पकड़ा है, जमीर अहमद और रिजवान अरशद है, अपना हारिस है, रहमान खान है, और कौन कौन है बोलो ना मुसलमानों में, जो इन्हें मर्द बता रहा है। और ऐसे जो मर्द कौन है मुसलमान में, क्या किया है, बदनाम किया मुसलमान को, मुसलमान को कपड़ा काट के बता रहा है तुम्हें लोग, इतना लोग हुआ 50,000 आदमी, 15-50 लाख आदमी, जमने की बात नहीं किया, जमाया नहीं तुम्हें, लोग अपना जाके उलेमा लोग जितने भी होते हैं, मौलाना इफ्तिकार हो, मौलाना जैनुल आबिदीन हो, मौलाना शाफी सादी हो, मौलाना इमरान हो, मौलाना दूसरे काम करता है क्या, जो गली में मस्जिद के सामने जिस दुकान के सामने किया गया, जो कपड़ा निकाल के हिजाब खींचा गया, मुसलमान क्या करता था, क्या नाम दो मुसलमानों को। अच्छा आलम पाशा क्या किया, सवाल करो ना मुसलमान, तो जगह कौन सी लिए है तुम्हें, कुर्सी कौन सी लिया है, कौन से चेयर पे बैठा है, क्यों मैं नहीं अपने दूर दूर तक मक्का हज उमरा इधर बैठ के मैं करूं क्या, इधर से होता है क्या मेरे को, फेरे मारूं क्या मैं, ऐसा तमाम तुम इतना रोक के ये लोगों को इतना बढ़ावा दिया, आज जो कर रहा है, जो जबान में आता है वो बोलता है, तो एकदम मुसलमान के जात को, इस्लाम को, मासूमों को गंदगी जलील करते हैं। ये दो तीन जन है, अपना एक औरत मिनिस्टर है, शोभा करमला जो है फला है बोलती है, तो क्या वे बोलने दो ना, तो उन्हें अपना आप बता रहे हैं कि ये मुसलमान कभी 10 आदमी एक जगह नहीं जमा, अरे भाई अपने फालस्तीन के लिए दुआ के लिए 4 आदमी नहीं जमा, तुम जम रहे कहां है, चीफ मिनिस्टर के घर पे जाते और हाईकमान के ऑफिस में जाते दिल्ली में, और कहां है, तो ये जो करे है इनका इन हाईकोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तमाम कोर्ट में और कानून में, जैसा इना हमें इनको क्रिमिनलिज्म जो ट्रांसपेरेंसी किया गया है हमें बताना चाहिए, तो कम से कम बैलेंस होना है, ये क्या है, ये क्या है, पूरा बैलेंस होना, इधर बैलेंस कहाँ है, ये पन्ना कहाँ है, हमने मालूम है कौन से मटके सामने में हमें सर रखे, जब तक उसके पैर से हमारा सर नहीं उठाता है मुसलमान का, तब तक पैर सर पे रखा मुसलमान कौन है, मुसलमान लोगों को खाने नहीं, वो लोग चाप के दिया तो चाप के टुकड़ा बना के दे तो वो भी खाता है मुसलमान, यही हो रहा है। अपने कोष्ठी के पास अपने किचन रूम में मुसलमान खड़के चीफ मिनिस्टर को चाय बना के देता है, वही आके मसाजिदों में इमाम बन के आलिमों के नाम से खड़ते हैं, तो ये हुआ है कल, हमारी कमजोरी नहीं, हमें क्यों नहीं किया गया, आज कितने हजार आदमी को फांसी चढ़ाया गया कल के दिन अपने वो तरक्ते केरे में, तो मुसलमान का जो देखा, मुसलमान की कमजोरी देखा, मुसलमान का बिकाऊपन देखा ये लोग, और ये मौलाना लोगों की जो जो भी है, जितना भी है, जितना शाफी सादी एक कोने में है और इफ्तिकार एक में है, अभी इतने तमाम ये लोग जो है, तमीर हाशमी है, फला है, ये 4-5 जनों से मुसलमान का कपड़ा उतारा जा रहा है कर्नाटक में, शर्म आना है, डर है, ये रमजान का डर है, दुआ का डर है, कोई लोग दुआ कर देंगे, बदुआ कर देंगे, ये लोग पूरे जल के चल जाएंगे, तो ये लोग तमाम जो अपना दोनों किया है, दोनों चारों आरएसएस के नाम से, अभी बोलो इलेक्शन कोड है, बोलेगे आरएसएस किया, हिंदुत्व किया, जो किया देश को हला के दिया, जब औरत का पूरा पूरी बेइज्जती किया गया, रिजर्वेशन निकाला, तो जाता है ये कवल के पीछे करता, आप क्या करता है, आप मेरे विधाता है, ये किया, तो कोई आदमी जितनी खबर वो मुकेश का किया गया, कोई लड़की का, कोई माँ बहन का, कोई पढ़ने वाली बच्चों का रिजर्वेशन में, आप दूसरे तमाम चीजों में कर्नाटक में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करता है, ये तमाम चीज इनको ताकत दिया,
सूर्या को ताकत दिया, पीसी मोहन को द पब्लिक में कितना मिसाल हो गया है, जो छोटे से छोटा ये क्या बोलते हैं, मच्छर भी नहीं है, मच्छर का पर भी नहीं है, इतना ही काम है। अरे भाई ये लड़के बोल के इनसे माफी पूछ सकते हैं, नहीं तो गुंडागिरी किया, एक्सटॉर्शन किया, ये तो बोला गया है, खुद इसके लड़के का बाप बोला गया है, वो एरिया का आदमी बोला है, और ये फोटो में भी दिखता है कि वो मुकेश उतर के आगे जा रहा है अपने सीसीटीवी में, अपना रास्ता खोल के, अपना डोर खोल के बाहर उतरा है, ये भी दिख रहा है। तो खींच के मारा कहां से होता, खींच के जो मारा, खींच के जो तोड़ा, वो क्रिमिनल होगा तो उनके कहां से जात से मतलब है, कौन बोला है, क्यों बोला है, तो तमाम चीज आके इनकी ताकत गलत इस्तेमाल किया है। वो अपना ये दोनों एमपी उधर का साउथ का एमपी, अपना ये सेंट्रल का एमपी, दो तीन एमपी सेंट्रल मिनिस्टर जिनके किए हैं, उस मुसलमान की ताकत क्या है इन्हें इस तरीके से बताया। तो मुसलमान करना था, जब उसके सर पे का कपड़ा नहीं है, उसकी जबान का लेके हम खावे, और तमाम उसके सर पे हमें हमारा सर का ताज गिरे, सुन्नती जो चीज है वो गिरे, उसके बगैर मतलब हमें उनके सामने सर झुकावे, घुटने टेके, तो यही करने वाले हैं ये लोग। तो ये कल जो हुआ है उसका बदला निकालना नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देश के ऊपर किया गया। इन्हें जो किए कर्नाटक में, ये बच्चों का कोई लड़ाई नहीं थी, मुकेश और दोनों और भी कोई आदित्य फला दूसरा मुसलमान, ये सब भी तमाम उनके ज्ञान थी, उसमें एक भी पूरे पांच के पांच हो जाते, यानी जो भी तरीके से पैसा लेने वाले उसलाती करने वाले, उनका तरीका हर हिसाब से अलग होता है, चाहे आजाम तो आजाम बोलेंगे, नहीं तो फिल्म का गाना बोलेंगे ये डालो, हनुमान चलसा ही चलता नहीं डाल के, वो उनकी क्रिमिनोलॉजी है, मगर इससे जात से कोई मतलब नहीं है, जात का मामला नहीं है। इतना बड़ा किया गया, सही जात का मामला जो हुआ, गाय तिजारत में रोका गया, जायत्रों से रोका गया, रिजर्वेशन में रोका गया, हिजाब का कपड़ा सर से निकाला गया, स्कूलों के पीछे भागा, बच्चों को बड़ों को भगा के गए, क्या किया मुसलमान कहां जमा, तो मुसलमान नहीं है क्या, क्या जरूरत है मुसलमानों की, क्या जरूरत है इस आलिमों की, क्या जरूरत है लोगों की दुआओं की, ये तमाम चीज जो है इनको सजा लेके देना है। सजा मिलेगी जो आदमी ये लड़के को मुकेश को मारा, और क्यों मारा, क्या किया, कौन कंप्लेन दिया, कंप्लेन में क्या था, कोई नहीं देखा, कंप्लेन का कॉपी, जब कंप्लेन का कॉपी देखा तो बोलता है अपना वो एमपी साउथ का बोलते हैं कि भाई वो अपना गलत लिखा है, तो सही क्या लिखा है, सही क्या हुआ है। और हर गली में कर्नाटक के, हिंदुस्तान के कल हर कॉर्नर में फिर रहे हैं कि भाई अपना मंत्र पढ़ के, तो मुसलमान क्या किया, क्या सिखाना चाहते हैं मुसलमान को ये लोग, मुसलमान कुछ नहीं किया, मुसलमान बंगड़ी पे लेते ना है, वो तो बंगड़ी के हद तक भी इतना कमजोर है, ये कल साबित कर दिया है दोनों मिलके, मुसलमान की कमजोरी साबित किया है, मुसलमान हर टाइम पे इससे ज्यादा मांग चाहन मांगना था, हमारे लिए डिमांड करना था, हमारी चीज जब तक ये देश का पूरा कवर नहीं किया, देश का मीडिया, वर्ल्ड का मीडिया और देश का पार्लियामेंट का पूरे एमपी, ये लोग हला नहीं उधर से, तो कितना कमजोर है हमारा दवाखाना, क्या मरने का नहीं, मौत का सौदा तक नहीं मिल रहा है उसपे, ऐसे मुसलमानों की कमजोरी से ये लोग किया है जो क्राइम हुआ है। तो ये दो क्रिमिनल्स का अक्यूज का वो पुलिस अपने आप इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी अपना टाइम अजान का टाइम है भी एक ही है, हनुमान का चलसा जो करते हैं वो भी एक ही, वो अपने जगह रहेगी, ये इस पे जगह रहेगी, दोनों को हमें उसकी भी इज्जत करेंगे, ये लोग इसकी भी इज्जत करना है, इज्जत क्यों नहीं करता है करके खड़ा के पूछेंगे, दबा के पूछेंगे, हर गली में पूछेंगे, इनके कान के पर्दे फटेंगे, ऐसा पूछेंगे कि अजान की आवाज तुम क्यों नहीं सुनता है, तुम्हारा बाप सुना, तुम्हारा दादा सुना, तेरी माँ जब पेट में रख के अजान की आवाज सुने, तुम क्यों नहीं सुनता है, पूछने वाला कौन मुसलमान है, कहाँ है, हर मुसलमान चाह रहा है, मतलब मंत्री चाह रहा है, लीडर चाह रहा है, उलेमा चाह रहा है, अपनी चीजों को दिल्ली में बैठा है, दिल्ली हाईकमांड में बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्राइम जाएगा, क्राइम में ये लोग को सजा मिलेगी, ये लोग जो किया है वो क्राइम के ऊपर सजा मिलना है, जितने शोभा करमला जी और ये दोनों एमपीओं को मिलना है, जो लोग हिंदू को मुसलमान को नहीं, हिंदू को प्रयोग करा रहा है, क्या करा रहा है, किसके सामने, बोलिए
कौन किसके जहीन में है कि भाई हिंदू मुसलमान का होना है, हिंदू मुसलमान की नफरत है, ये चीज में ये जो सौदे में कुछ भी नहीं है। पैसा पूछा, पैसा नहीं दिया, वो माइक उठाया, वहां पे गाना अपना आजान होती तो भी वही था, हनुमान चलसा चलता तो भी वही था, या ना कोई दूसरों का एक गाना होता तो भी वही था, जो क्रिमिनल करने वाला वही काम करता, मुसलमान के साथ हिंदू भी था। ये सवाल पे इतना बड़ा मसला जो बना है, तो मुसलमान की कमजोरी क्या है, 25 साल से क्या हो रही है ये बताए, ऐसा होने नहीं देना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान की कमजोरी पहले से करते आए हैं, ऐसे जो जो जायकरा बनाया जिंदगी में हर टाइम पे, जैसा भी कपड़ा बच्चों के ऊपर, इलम के ऊपर, तमाम के ऊपर जो किया गया, 5,000-5,00,000 आदमी क्यों नहीं जमा, मुसलमान गलत नहीं किया, मुसलमान आज तक गलत नहीं किया, ये गलतियां कराते आए, उनको बदनाम किया गया, सरकार के सामने कमजोर करा दिए कि भाई 4 लीडर और 4 उलेमा, तो ये लोगों को छोड़ के, ये लोगों को नफरत करते हुए, ये लोगों को यानी जो एमपीआर जो कल निकले हैं इनको सजा मिलना है, जो एफआईआर में सजा हुई है वो सजा अपने आप हो जाएगी, ये लोगों को क्रिमिनल में सजा मिल रहा है, क्राइम में सजा मिल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी किया गया उसकी सजा होना है, सजा कोर्ट से ही होना नहीं है, पब्लिक भी सजा देना है, हर चीज हर मुद्दा आरएसएस बीजेपी इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, तो मुसलमान का अंडा ऐसा ही निकल रहा है क्या? मुसलमान भी मंदिरों से ज्यादा मस्जिदों में मदरसों में यही इलेक्शन के ऊपर करता है, तब क्या हो रहा है, खून मुसलमान का, इस्लाम का, उलेमा का हो रहा है, खून लोगों का भड़क रहा है, तो क्योंकि इन्हें भड़का रहे हैं, इधर लीडर भड़काने दे रहे हैं मुसलमानों को, तो मांग है आलम पाशा की, ये दोनों एमपीओं को फांसी की सजा मिलना है, यहां तक कानून बनाना है, कानून में हमें लोग सामने जाना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इनके ऊपर का सुमोटो कंप्लेन बनाना है, ये तमाम जो किए कैसा किया गया, क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिमिनल्स है पूरे, क्रिमिनल का मतलब अक्यूज है, आरोपी है, दो मुसलमान दो हिंदू है, तो कैसे अजान का कैसा आ जाएगा, बस मसला इतना ही है, ये मसले को हल करना नहीं है, मुसलमान स्ट्रांग होना है, मुसलमान जो करता आ रहा है अभी तक जितने भी चीज आए, एक को एक, एक आदमी को बात नहीं किया है, 50 लाख से 5 करोड़ आदमी जमना चाहना चाहिए था पहले, हर चीज मुसलमान बनाना है, जैसा ये बनाया आप कल, अब कल ये बनाया अपना पार्लियामेंट बनाएगा, तो ऐसा कब बनाए थे, तो कब बनाते, हमारी मांग रखते दे, तो 4% अपने आप आता, काउंसिलेटर अपना आप आता, हिजाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कई मसले कई चीजें हमारे लिए हमारे फेवर में, जैसा ये लोगों को हासिल हो रहा है ऐसा हासिल होता है। असलम।